साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है स्टे फिट एंड स्माइल में। सिक्स पैक ऐप कैसे बनाए ये आपको ब्रेक के पहले बता दिया था, अब बारी है ये जानने की कि किन बातों को आप अवॉइड करें और किन चीज़ों को ध्यान में रखें ताकि हेल्थ भी बने और कोई नुकसान भी ना हो। सिक्स पैक ऐप्स बनाते समय बहुत से लोग हेवी वेट उठाते हैं और इसी वजह से उन्हें काफ़ी सारी इंजरीज भी हो जाती है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले मैम एक्चुअली एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी अपने आप से ना करें, अपने ट्रेनर से प्रॉपर उसकी पोजीशन चेक करवा लें कि वो एक्सरसाइज ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद कितना वेट ऐड ऑन करना है उस एक्सरसाइज में वो पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी लो बैक बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी, प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी आपकी और मे बी आप फर्दर फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने से आपकी लो बैक इतनी वीक हो जाएगी, आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है। नॉर्मली आजकल लोगों को काफ़ी हो गया है ये प्रॉब्लम, लो बैक पेन इतना ज़्यादा रहने लग गया, इवन कॉर्पोरेट में काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जो ऑफिस से आते हैं, उनको भी एफसी होते हैं अपना, वो देखते नहीं है कि उनको ऑफिस में सारे दिन बैठे रहना है, इतना ज़्यादा ट्रेन कर लेते हैं, ओवरली ट्रेन अपने एप्स को या लो बैक को, वो पूरे दिन काम भी नहीं कर पाते हैं ठीक से। फिर नेक्स्ट डे आते हैं जिम में कंप्लेंट करते हैं कि सर उनकी लो बैक पेन कर रही है या स्टमक पूरा दिन पेन कर रहा था। तो ओवर ट्रेनिंग से बचना है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है लो बैक के पेन को अवॉइड करने के लिए और प्रॉपर गुड न्यूट्रिशन डाइट लेनी चाहिए उसके लिए, इवन रेस्ट भी कर पाएँ वो दिन में थोड़ा तो बेटर उनके लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर की बात हो रही है, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी अपनी बिल्डिंग में ही जिम लोगों को प्रोवाइड करती है अपने जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए, और ऐसे में लोग मॉर्निंग शिफ्ट में आते हैं, इवनिंग में आकर के वर्कआउट शुरू कर देते हैं, ऐप्स बनाने शुरू कर देते हैं, तो ये कितना उनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है सुबह से काम करने के बाद शाम को जिम जाना? नहीं, ऑब्वियसली वो नॉर्मल जो लोग हैं अपनी सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं उनसे तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपने पूरे दिन ऑफिस में काम करना है उसके बाद फिर जिम जाना है, वर्कआउट भी करना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है, तो रिकवरी के लिए टाइम कम होता है। उन लोगों को चाहिए कि अगर डेली जिम ना जाएँ, ऑब्वियसली मे बी 3 days a week और मे बी 4 days a week दे कैन गो वर्कआउट कर सकते हैं जाके 3 या 4 दिन एवरी ऑल्टरनेट डेज। बॉडी अगर आपकी रिलैक्स नहीं है तो आप कोई उससे आउटपुट नहीं ले सकते। बॉडी स्टिफ हो जाती है, अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि बॉडी स्टिफ हो जाती है सिक्स पैक ऐप अगर आप बनाते हैं, कितना ज़रूरी है ये बनाना? क्योंकि अगर आप एक कॉर्पोरेट लेवल में काम कर रहे हैं वहाँ आपको सारा दिन बैठ करके काम करना होता है, या आप एक स्टूडेंट हैं स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो कितना ये ज़रूरी होता है? देखो अगर इसमें मैटर करता है आपको कितनी आप कितनी डिज़ायर है आपके अंदर ऐप्स बिल्ड करने की, आजकल लोग कोई भी सेक्रीफाइस कर देते हैं ऐप्स बनाने के लिए, यहाँ तक कि लोग मैं से इनफैक्ट मैं से खुद पूछते हैं स्टेरॉइड्स यूज़ करने के लिए, लोग बाग स्टेरॉइड इतनी यूज़ कर लेते हैं उनसे अपना लीवर तक स्पॉइल कर लेते हैं वो ऐप्स बनाने के लिए और मे बी अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लोगों को बस एक डेडिकेशन चाहिए होती है, प्रॉपर डाइट फॉलो करनी होती है और लिमिटेड वर्कआउट करना होता है। अगर आप उसके साथ प्रिकॉशंस वाइज स्ट्रेचिंग और लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपके अच्छे ऐप्स भी बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप साथ में ऐप्स बनाने के लिए आपको चाहिए कि सिर्फ ओवर ट्रेनिंग ही करे जाओ या फिर कुछ भी खा लो या कोई स्टेरॉइड यूज़ कर लो तभी आपके ऐप्स बनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको प्रॉपर एक अच्छा लाइफस्टाइल यूज़ करना पड़ता है उसके लिए, प्रॉपर टाइम टू टाइम वर्कआउट, लिमिटेड एक्सरसाइजेस आपके कोच से पूछ के कीजिए, अपने आप नहीं करनी चाहिए, वर्कआउट के एंड में कूल डाउन होना चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए प्रॉपरली, लो बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको कोई इंजरीज नहीं होगी। बिल्कुल, तो जितेंद्र बार बार आपको ये बता रहे हैं कि बिना ट्रेनर के आप कोई भी एक्सरसाइज मत कीजिए और ख़ास करके आप सिक्स पैक ऐप बनाने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। स्टिफनेस बॉडी में आ जाती है, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, इसके लिए आपने बताया कितना वक्त स्ट्रेचिंग को देना चाहिए? स्ट्रेचिंग आपको मिनिमम 10 मिनट्स रिवॉर्ड करने चाहिए आफ्टर वर्कआउट। एक्चुअली इसमें भी काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं कि आपको स्ट्रेचिंग वर्कआउट से पहले करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए। आपको अगर लगता है अपना वार्म अप सेशन के बाद कि आपकी थोड़ी बॉडी स्टिफ है तो आपको स्ट्रेचिंग उससे पहले भी कर सकते हैं आप, ये जरूरी है वर्कआउट के बाद ही करनी है आपको, बट अगर आपको लगता है बॉडी स्टिफ नहीं है तो अपना वर्कआउट कीजिए उसके बाद स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आप पूरा दिन मूवमेंट में रहोगे और आपको बेटरमेंट फील होगा काफ़ी। काफ़ी ओल्ड एज आने के बाद भी आजकल जो कि फैशन हो गया है सिक्स पैक ऐप्स का, तो लोग तब भी ऐप्स बनाने की ओर काफ़ी अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। 60 की एज में, इवन 70s की एज में भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐप्स बनाना चाहते हैं, उनकी एक्सरसाइज अलग होती है, यंग एज की एक्सरसाइज अलग होती है? बिल्कुल मैम, एक्चुअली एक्सरसाइज डिपेंड करती है आपका लेवल, अगर आप मे बी यंगस्टर्स के लिए आप वो थोड़ा ज़्यादा ओवर ट्रेन कर लेते हैं वो तब भी उनकी बॉडी रिकवर हो जाती है, बट जैसे जैसे यू ग्रो ओल्डर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है रिकवर होने में, या आपको कंटिन्यूसली पेन रहते हैं बॉडी में और काफ़ी ज़्यादा बोन मास लूज करती है, जब आप एज बढ़ती है तो आपकी काफ़ी ज़्यादा बोन मास रिड्यूस होता है, आपका बॉडी रिकवर नहीं होती है, मे बी
लैक ऑफ स्लीप ऑल्सो, ओवर ट्रेन करने से अपने आप की वो नींद भी नहीं आती आपको ठीक से, फिर उनको रिकवरी में टाइम ज़्यादा लगता है। ऑब्वियसली उनको वर्कआउट थोड़ा कम करना चाहिए, वो लगता है कि उनको ऐप सुनाने हैं, बट फिर भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि अपनी एज बढ़ गई है तो उसके लिए थोड़ा कम वर्कआउट करें, वेस्ट ज़्यादा करें। ओल्ड एज में क्या इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल, आपकी बोन वीक हो जाती है, अगर बोन मिनरल्स कम हो जाते हैं, आपको एक प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन चाहिए होता है उसके लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। थोड़ा एजेड होने के बाद एक स्टैमिना भी लोगों का डाउन आ जाता है, उसमें फिर एस बिल्ड करना वो डबल टास्क हो जाती है, फिर वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। गर्ल्स की अगर बात करें, अभी तक लड़कियों के बारे में हमने बात नहीं की है, उन्हें भी अपनी बॉडी टोन रखने का बड़ा शौक है, सिर्फ स्लिम ट्रिम नहीं रहना है, बॉडी टोन होनी चाहिए, उनकी एक्सरसाइज कैसी हो? लड़कियों के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है, देखो लड़की और लड़के दोनों सेम ही एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं अपने ऐप्स या ऐप्स को टोन करने के लिए। मेनली जैसे गर्ल्स हैं थोड़ा सा लिमिटेड वर्कआउट करें, उनको लोअर टमी पे ज़्यादा स्ट्रेस फील ना हो, क्योंकि उनको फिर आगे अपने फर्दर लाइफ में से अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स ना आए उसके लिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ओवर ट्रेनिंग, ऐप्स ट्रेनिंग ओवर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। लड़के फिर भी कर लेते हैं, उनको उनका लाइफ स्टाइल इस टाइप का होता है, लड़कियों को थोड़ा फिर भी सोचना चाहिए कि ओवर ट्रेन ना हो जाए उनके ऐप्स या उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए इस चीज़ से बस। अगर ये मान ही लिया जाए कि ऐप्स बनाते बनाते किसी को चोट लग गई है या फिर उसको कोई इंजरी हो गई है, बैक प्रॉब्लम शुरू हो गई है और अभी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं उस चीज़ के लिए, क्या उतने दिन के लिए जिम से दूर रहना चाहिए? बिल्कुल मैम, वेस्ट इज़ द बेस्ट मेडिसिन एक्चुअली। अगर आप कोई इंजरी हो गई है आपको ऑलरेडी लो बैक में या आपको वैसे ही जिम में कोई इंजरी होगी तो आपको प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए बॉडी को। और अगर आपके लो बैक में जैसे आपको ओवर स्टिफ्ट हो गई है तो उसके लिए अगर आप अपने ट्रेनर से ही पूछ सकते हैं, जैसे नॉर्मली ट्रेनर जिम में आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको उस पर आइस पैक लगाना चाहिए, कोल्ड एंड हॉट फर्मेंटेशन एक साथ दी जाती है, जैसे आप उसको पहले कोल्ड पैक कीजिए फिर उसके थोड़ी देर बाद या 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद आप उस पर कोई हॉट फर्मेंटेशन दे सकते हैं या हॉट वाटर बॉटल यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको रिलैक्स फील होगा। एंड व्हेन यू आर प्रॉपर रेडी उसके बाद आपको वर्कआउट करने के लिए आना चाहिए। बिल्कुल, और अगर आप 15-20 दिन के लिए रेस्ट पे चले गए हैं, बेड पे चले गए हैं, तो पहले जो जिम में मेहनत की थी वो सारी वेस्ट तो नहीं हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट टेंशन बढ़ जाती है थोड़ी लोगों की उनको लगता है कि उनका सारा वर्कआउट स्पॉइल हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस थोड़ा सा उनको बॉडी की जो टाइटनेस रहती है कंटिन्यू वर्कआउट करने से वो लूज़ हो जाती है, उनको लगता है कि उनका सारा वर्कआउट ख़राब हो गया है, बट वो 3-4 दिन में सबसाइड हो जाता है, फिर वापस आ जाता है वैसे। बिल्कुल, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, परेशान मत होइए, अगर आप बेड पे भी हैं तो पहले आपने जो मेहनत की है जिम में वो बेकार नहीं जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजा आएगा क्योंकि ब्रेक से लौट करके आपको बताएंगे कि आर्टिफिशियल सिक्स पैक ऐप्स बनाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं।